यू बाय इंडिपेंडेंस, कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। उपचुनाव से ठीक पहले मायावती ने फुल तैयारी शुरू कर दी है। बसपा इस बार किसी भी कीमत पर किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। उनकी सीधी निगाह चंद्रशेखर आजाद पर है। ऐसे में उन्होंने सीधा झटका दिया है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम को। आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे शाहनजर को तोड़ लिया है बसपा ने। शाहनजर मीरापुर से बसपा के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा बसपा ने राम गोपाल कोरी को मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। 2017 में बसपा के टिकट पर राम गोपाल कोरी मिल्कीपुर से चुनाव लड़े थे और उन्होंने 54,000 वोट भी हासिल किया था। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर बसपा की ओर से कुछ ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी की, तो उन्होंने भी 3 प्रत्याशी उपचुनाव के लिए घोषित कर दिए हैं। गाजियाबाद से चौधरी सतपाल को प्रत्याशी बनाया है तो मीरापुर से जाहिद हसन को टिकट दिया है। वहीं मझवा में धीरज मौर्या पर दाव खेला गया है। वैसे आपको बता दें कि इन सभी सीटों पर भारी घमासान जारी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सभी 10 सीटों पर बसपा और बीजेपी लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो बढ़त में नजर आते हैं। अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी में सपा को बढ़त मिली है, जबकि करहल में भी सपा ही आगे है। वहीं सीसामऊ की सीट पर कांग्रेस आगे, क्योंकि कानपुर की सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जबकि खैर की सीट पर सपा की बढ़त दिखती है। वहीं फूलपुर की सीट पर जहां सपा आगे है, तो गाजियाबाद में बीजेपी और मझवा में अपना दल एस आगे नजर आती है। अगर हम बात मीरापुर की करें तो वहां से आरएलडी को बढ़त दिखती है और ये सारी बढ़त लोकसभा चुनाव के हिसाब से नजर आती है। हालांकि उपचुनाव बिल्कुल अलग होंगे। अब देखना ये होगा कि इन सभी सीटों पर बीजेपी सपा के अलावा मायावती और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी क्या कमाल करती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।